तो दोस्तों आपका स्वागत है डिस्ट्रिक्ट पे में दोस्तों। तो आज का हमारा नया गेम है पोकेमोन एश बैटल फ्रंट दोस्तों। तो आप चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये गेम कैसा लगा। सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस हिनोवा रीजन के बाद फाइनली पोकेमोन बैटल फ्रंट यहाँ पे आ चुकी थी। मुझे इस गेम की उम्मीद नहीं थी कि बैटल फ्रंट आ सकती है, पर फाइनली बैटल फ्रंट एश की आ चुकी है यार यहाँ पे। तो देखो इसका लिंक मैं तुम्हें कहता हूँ प्रोवाइड कर दूंगा, पर प्रॉब्लम अभी ये है कि अभी ये नई नई गेम आई है, अभी मतलब कुछ घंटे हुए इस गेम को आए को, और मतलब लोगों ने इतना डाउनलोड करने की इसको कोशिश की कि इसकी साइट ना क्रैश हो गई थी। और मैं भाई कब से कोशिश कर रहा था, इसी वजह से मैंने पोस्ट डाल दी थी कि भाई कुछ टाइम लग सकता है या कुछ दिन भी लग सकते हैं मतलब वेबसाइट को ठीक होने के लिए। तो अभी के लिए वेबसाइट नॉर्मल है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं जो लिंक डालूंगा वो चलेगा ही चलेगा, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा। पर हाँ यार, अगर तुम्हें एक दो दिन रुकना तो रुक सकते हो, क्योंकि अगर तुम मतलब ज़्यादा कोशिश करोगे तो गेम मतलब क्रैश तो साइट हो ही जाएगी ऐसे। तो कोशिश करना कि अगर तुम्हें थोड़ा रुकना थोड़ा रुक सकते हो, क्योंकि गेम तो क्रैश हो ही जाएगी ऐसे। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। तो बस यार इस गेम को अच्छी तरह से मतलब तुम लोग देख लो और पसंद करो यार तुम्हें कैसे लगी ये गेम। तो यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है हमारी स्टोरी, और साथ में दोस्तों पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है। दोस्तों ये है पेंसिल, सबसे पहले आंसर दिया है आस भाई ने, फिर दिया उदय भाई ने, फिर दिया यश भाई ने, उसका दिया पोकी राज गेमिंग ने, उसके बाद दिया है कास्ट ऑफ गेमिंग। दोस्तों यही वो डी पोकेमोन आर्ट फैन थे जिनने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमोन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ स्क्रीन पे आने वाला है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और देखते हैं ये अपना रूट नंबर 2 है। मेरे हिसाब से जो बैटल फ्रंट थी क्या वो अपने कैंटो रीजन में थी ना शायद मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अभी हम विरेडन सिटी में आ चुके हैं, तो हम भी ऑटोमेटिकली चल रहे हैं यहाँ पे। विरेडन सिटी है कहते हैं हमेशा ऐसी बिजी रहती है कि नहीं, यहाँ पे वो अपने जिम वगैरह देखने गए हैं। मेरे हिसाब से विरेडन सिटी में अपना जिम तो उसका ही था ना, जियोवानी का। तो यहाँ पे हम स्काउट से मिल रहे हैं और हमें स्काउट्स बैटल फ्रंट के बारे में बता रहा है, और अभी मतलब नॉर्मली हमें स्काउट ही मदद करेगा सबसे पहले बैटल फ्रंट में जाने के लिए। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम एक फ्रेंडली चैलेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे तैयार हो जाओ यार, यहाँ पे एक चैलेंज होने वाला है। मुझे पता नहीं मुझे पोकेमोन मिले हैं कौन से हैं अभी इस टाइम पे। मेरे सबसे यहाँ पर टोरकुल था, और अभी इस टाइम पे पिकाचू होगा, और गोवाइल होगा शायद, गोवाइल था ना इस टाइम पे कि सेप्टल बन गया था इसका, नहीं गोवाइल था मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम चैलेंज करने वाले हैं यहाँ पे, और अभी हमें इवेंट के बारे में बता रहे। देखो इवेंट के बारे में तो हम बाद में भी जा सकते हैं। लेट्स गो पिकाचू, यहाँ पे शुरू हो चुका है हमारा मैच। इसके पास एक ही पोकेमोन होगा, वो होगा गेंगार, मुझे इतना याद था। हाँ इसके पास सिर्फ गेंगार है, और मेरे पास अभी टोटल 6 पोकेमोन है, पर लेवल का फ़र्क है यहाँ पे। ओके हम 5 के हैं इस वक्त पर, ठीक है। अरे देखो कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, क्विक अटैक कर रहा हूँ गेंगार पे यार, ये गलत सीन किया यार। हिप्नो, ओके इसको हिप्नो आता है, तो मतलब अभी ये बड़ा ज़्यादा लंबा मैच जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हिप्नो ये बहुत बार करेगा। तो ठीक है मैं पहले पोकेमोन चेंज करने आता हूँ, मेरे पास अच्छे खासे पोकेमोन है। कॉडफिश ऐश का इवॉल्व नहीं किया था, तो देखो हम ऐश की टीम को ऐश के हिसाब से चलाएंगे, जैसे जैसे ऐश ने इनको यूज़ किया था वैसे ही हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हाँ वैसे पूरी कोशिश तो यही है कि हम वही टीम रखें जो ऐश के पास थी। हाँ बाकी देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं पाउडर स्नो का कितना डैमेज पड़ता है। मुझे पता है ज़्यादा कुछ खास इसका डैमेज होने नहीं वाला है, अरे इतना बेकार डैमेज। ओके इसने हिप्नो कर दिया दोबारा, तो मतलब इस पर ज़्यादा हिप्नो ही पड़े हैं, तो मतलब ये खाली हमें ट्रोल करेगा यहाँ पे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा है यार। ये ना जो स्लीप बार बार कर रहे हैं ना, मेरे पास अवेकनिंग होते तो मैं उठ जाता, पर मेरे पास है भी ना, तो क्या कर सकते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे इसने लीक कर दिया हुआ है। ओके तो अभी तक हम सो रहे हैं, पता नहीं कब उठेंगे। ओके तो फिर से फेल हो गया इसका अटैक, मतलब नॉर्मल जो कर रहा है वो बेकार है, वैसे भी किसी काम का नहीं है। ओके लिख तो लो यार, पैरालाइज तो नहीं होंगे इससे, पैरालाइज ज़्यादा ख़राब होता है स्लीप से। तो स्लीप में थोड़ी उम्मीद होती है कि हाँ पोकेमोन अब तो उठ ही जाएगा, पर लिख में कोई उम्मीद नहीं पैरालाइज होने के बाद कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। ओके मैंने यहाँ पे अपना फिर से पाउडर स्नो कर दिया, हम इस पर अपने आइस बिंड करें, मेरे सबसे आइस बिंड भी बहुत इफेक्टिव मूव होता है। ठीक है चलो हम आइस बिंड करते हैं यहाँ पे। अरे यार दोबारा हिप्नो यार, मतलब क्या सीन है यहाँ का, दोबारा हिप्नो। चलो क्या कर सकते हैं, क्या करें, पोकेमोन चेंज करें कि इसको मरने के लिए छोड़ दें। नहीं यार रिस्क होगा, पोकेमोन चेंज कर लेते हैं। मैं यूज़ करूँगा इस बार टोरकुल को, टोरकुल को अपना एम्बर तो आता होगा ना, एम्बर तो आना चाहिए टोरकुल को, इतने लेवल पे तो एम्बर आ ही जाता है, या फिर इसने सिखाया होगा पहले से एम्बर। हाँ इसको एम्बर आता है, चलो हम एम्बर यूज़ कर लेते हैं। लिक किया दोबारा, ओके डैमेज फिर पड़ा हमें, मैं दोबारा एम्बर करूँगा, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। दोबारा लिक, मेरे हिसाब से ये मूव करने के मूड में नहीं है अपना हिप्नो, शुक्र है। क्रिटिकल हिट भाई, लिक का क्रिटिकल हिट लग रहा है टोरकुल पे। तो दोबारा भी लिक, वो 8 हेल्थ बची है।
अब तो हम जीत ही जाएंगे आराम से, जीत गए। ये हमारा भी क्रिटिकल हिट था यार, हमारी तरफ से क्रिटिकल हिट इसे। तो यहाँ पे पिकाचू को मेरे से लेवल 6 का होगा, टोरकू भी लेवल 6 का हो जाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। आयन टेल आ गई, ठीक है भाई लेवल 6 पे आयन टेल, अब और क्या चाहिए बताओ यार, लेवल 6 पे आयन टेल। यहाँ पे देखते हैं कौन सा मूव आने वाला है। इसको कोई मूव नहीं आया, चलो ठीक है ओके। तो ये भी लेवल 6 का हो गया, बढ़िया है। यहाँ पे हमने फाइनली लीडर को डिफीट कर दिया। अब हमें मेनली अब ये बताएंगे बैटल फ्रंट के बारे में कुछ और चीज़ें, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। ठीक है, तो क्या हम जा सकते हैं? 4 लाइट्स में से थे, हमें पता है ये 4 लाइट्स में से थे, और हमने 4 लाइट्स में से एक बंदे को डिफीट भी किया है, इसके मुताबिक ऐश ने डिफीट किया। तो अब स्काउट क्या बोल रहा है कि अब तुम सोचोगे कि मतलब बैटल फ्रंट के बारे में जाने के लिए। ओके, तो हम भी सोचेंगे कि हम बैटल फ्रंट में जाएँ कि ना जाएँ। उसके लिए भी हमें वो बता रहे हैं कि लोकेशंस वगैरह बता रहे हैं कि अगर हम चाहें तो वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। बैटल फ्रंट की प्रमोशन करने आया था एक तरह से। ठीक है, तो क्या लगता है कि हमें सिटी की तरफ से बाहर चलना चाहिए? यहाँ पे ना हमें पैलेट टाउन चल, वहाँ पे देखना चाहिए भाई क्या सीन है वहाँ का अभी के लिए। मेरे हिसाब से वहाँ पे अभी मिस्टी होनी चाहिए, ट्रेसी भी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हम ये देखते हैं ट्रेनर ट्रिप बता रहे हैं हमें ये लोग, कुछ ज़्यादा कुछ खास ट्रेनर ट्रिप नहीं है यहाँ पे। हम नीचे की साइड से निकल जाएंगे और देखते हैं, वैसे यहाँ पे कोई रास्ता तो नहीं जाने का, नहीं यहाँ पे कुछ रास्ता नहीं जाने के लिए। ठीक है, फिर नीचे की साइड से निकल जाते हैं हम लोग, देखते हैं भाई यहाँ से एग्जिट है भी है कि नहीं। ये है रूट नंबर 1, मेरे सबसे यहाँ से चलना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से भाई, यहाँ पे एग्जिट नहीं था, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। बस हम पोकेमोन ना आ जाए, इसका ही डर है, लोग पोकेमोन आ जाए देखते हैं। बस भी ऐश ने इनमें से कोई पोकेमोन पकड़ा था नहीं, पीजी है और रिलीज़ कर दिया पहले हम लोगों ने, पीजी ओटो बना कर रिलीज़ कर दिया। अब इतने अच्छे बंदे हैं कि ये विकसित करके छोड़ देते हैं, बढ़िया है ये। अब नीचे की साइड से चलना चाहिए, यहाँ भी पोकेमोन। अरे यार मैं क्यों घास की तरफ से जा रहा हूँ यार, अब नहीं जाएंगे घास की तरफ से, पोकेमोन बहुत आ रहे हैं, रेड टार्ट नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके, तो रन करते हैं यहाँ पे हम लोग। ऐश अपना ग्लेशियन लेकर गया था, यहाँ ग्लेशियन तो है भी नहीं, ईवी थी नहीं ना ऐश के पास कभी, नहीं ऐश के पास ईवी नहीं थी, मतलब ईवी बस सोचने लग पड़ा था। इसने कौन सा ए फॉर्म पकड़ा था ना एम्बो, अपना एम्बो वर्जन में, मतलब हिनोवा रीजन में यूनोवा नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब पिछली बार तुम लोगों ने बोला था ना मैं हिनोवा को यूनोवा बोल रहा हूँ, वो भाई हिनोवा है, यूनोवा नहीं बोल रहा हूँ मैं उसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे पीछे घर वगैरह चेक करते हैं, मुझे पता तो है नहीं हमें जाना कहाँ पे है, तो शायद हमें कुछ आइडिया लग जाए हम लोगों को। गैरी घर पे है क्या? मतलब जब ऐश इनोवा रीजन में गैरी ने किया क्या था उस टाइम पे, पता नहीं है ही नहीं गैरी यहाँ पे। तो फिर मैं नीचे की साइड देखता हूँ, यहाँ पे ये ब्रिज क्यों है, इसका कोई कारण ज़रूर होगा ब्रिज का, ऐसे ब्रिज था नहीं पहले टाउन में मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस वाले घर को चेक करते हैं, घर किसका है, जैक का है कि जॉन का है ये? ओके, ये घर में हम जा भी नहीं सकते, मतलब ये डमी हाउस है सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस वाले में जाकर देखते हैं हम लोग, डमी है ये भी। ठीक है भाई, तो ऐसा करते हैं कि हम लोगों को अपने घर वापस चलना चाहिए, मुझे अपना घर ढूंढना चाहिए, वहाँ पे चलते हैं और सब लोगों से मिलते हैं कि देखो हम इनोवा रीजन हार कर आ गए फाइनली। ऐश इनोवा रीजन में कौन सा था, टॉप 10 में था कि टॉप 16 में था इनोवा रीजन में? टॉप 16 में था मेरे हिसाब से, टॉप 16 में था, 32 उन दोनों में से था मेरे हिसाब से, टॉप में था वो, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत पहले इनोवा रीजन देखी थी। ओके, यहाँ पे फाइनली घर पे आ चुके हैं। ओके, मिस्टी है यहाँ पे, मिस्टी के हाथ में क्या है, केक है क्या मेरे हिसाब से, शायद कुछ है उसके हाथ में। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेसर भी आ चुके हैं और साथ में मैक्स भी आया हुआ है, मतलब मे नॉर्मली यहीं पे होएगी। प्रोफेसर को वो हेलो करने के लिए इतनी दूर से आए, कितने अच्छे बंदे हैं ना ये लोग। ओके, यहाँ पे पहले हम मॉम से बात करते हैं, अगर मेरी HP फुल हो सके यहाँ पे ज़्यादा बेटर, क्योंकि मैंने फ़ाइट की थी ना, तो क्या यहाँ पे हम HP फुल नहीं कर सकते? नहीं, मेरी HP फुल है पहले से, पता नहीं, पर हाँ फुल है अपने आप ऑटोमेटिकली, मैं तो पोकेमोन सेंटर भी नहीं गया था। ठीक है, तो हम भी प्रोफेसर के पास जाके आते हैं, पहले उससे पहले हम टॉप पे जाएंगे अपने घर के, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है, यहाँ पे कुछ बदला है कि नहीं बदला है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बदली है कि मेरे बेड के साथ में कुछ अलग सा, मतलब क्या है ये, रास्ता वगैरह है क्या जाने के लिए, शॉर्टकट है क्या यहाँ से, पता नहीं। चलो नीचे की साइड से निकल जाते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से मैं अब ना प्रोफेसर से मिलना चाहिए। भाई रनिंग शूज वगैरह कोई सीन नहीं है, मैं बी बटन दबा रहा हूँ, रनिंग शू हो नहीं रहे, मैं भाई बोला ही था भी देखो रनिंग शू शुरू भी हो गए, मतलब क्या सीन है ये। ओके, तो यहाँ हम प्रोफेसर की लैब में आ चुके हैं, प्रोफेसर मेरे हिसाब से बाहर की साइड, ट्रेसी। ओके, ऑरेंज लीक के बाद ट्रेसी मिला भी नहीं था हमें ना, तो इस साइड को देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या सीन है। ओके, तो ये तो बैक साइड है, मे भी आई हुई है और मे वो बता रहा है कि ये उसके पोकेमोन है, बस सारे उसके पोकेमोन नहीं हैं। और यहाँ पे जैसे ही और जेम्स आ चुके हैं, नॉर्मल सी बात थी, वो लोग तो आएंगे ही, और मेरे सबसे यहाँ पे इनके साथ फाइट होने वाली है, तो देखते हैं इनकी फाइट क्या। 4 लाइट के 8 लेवल गंगार से ज़्यादा ताकतवर होंगे कि उससे कम होंगे, बस उससे कम ही होने वाले हैं। और इसके पास कैटनिया होगा, तो कैटनिया पे अपना स्वेलो का पैक, या फिर अगर इसको कोई अच्छा मूव आता हुआ तो वो काफ़ी है। ओके, ये डबल बैटल करने वाले हैं ये लोग।
यहाँ पे इसने निकाल लिया सर्वाइव और अपना कैटनिया। कैटनिया पे हम करते हैं अपना पैक और इस पर आयन टेल कर देते हैं। शायद आयन टेल से इसको डैमेज पड़ जाए, शायद सर्वाइव चला जाए सर्वाइव पर, क्या पता। हम यूज़ करते हैं अपना पैक, पैक का डैमेज देखते हैं कितना है। ओ यार पैक का जो डैमेज बड़ा अच्छा था यार, मतलब अगर मैं आयन टेल उस पर कर देता ना तो ये चला जाना था। ठीक है इसे यहाँ पे इसने, ओ यार ये हमें अब थोड़ा हर्ट करता रहेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको तो हम हैंडल कर ही लेंगे। वो पॉइजन स्ट्रिंग, भाई पॉइजन मत होना पिकाचू यार, जिसके लिए मना करते हैं वही चीज़ करते हैं ये लोग। पॉइजन हो गया, मेरे पास कोई पोशन ही नहीं है स्टार्टिंग में यार, इतने पैसे की पोशन खरीद सकूँ यहाँ पे मैं अभी। ओके पिकाचू भी पॉइजन है, ये इसका बुरा हाल होने वाला है यहाँ पे। देखते हैं, चलो हम पहले ऐसे करते हैं कैटनिया को ख़त्म करते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम सर्वाइवर को देखते हैं क्या करता है वो। ओके पिकाचू तुम दोबारा आयन टेल करो, देखते हो तुम कितना डैमेज दे सकते हो आयन टेल के साथ। ओके ये हो ना बस अपना स्वेलो लेवल 6 का हो गया। यहाँ पे हमने कर दिया आयन टेल, डैमेज चेक करते हैं, ठीक ठाक डैमेज था ये जाने वाला है। इसकी हेल्थ 8 या 7 के करीब होगी इस टाइम पे, तो मतलब एक पैक करो। ओए भाई साहब क्रिटिकल हिट है इसका, सच में इसका इस, मतलब उसने सी बाइंड किया एक तरह से हमें और वो क्रिटिकल हिट लगा। भाई साहब बढ़िया, फिर तो पिकाचू को मतलब थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, क्रिटिकल हिट है यहाँ पे तो। ओके तो यहाँ पे ये जाने वाला पिकाचू लगता है हमारा, पिकाचू चला जाएगा, बहुत चांसेस हैं अगर अपना पैक लग जाए और ये पूरा मर जाए। ठीक है ना, पैक लगना चाहिए, अगर पैक लग जाए तो हम जीत सकते हैं। लग गया पैक फाइनली, जेसी और जेम्स दोनों हार चुके हैं तो मतलब हम लोग जीत गए फाइनली। पिकाचू लेवल 7 का हो गया, स्वेलो को लेवल मिलेगा, लेवल 7 का स्वेलो भी हो गया, बढ़िया। और क्या चाहिए बताओ, दोनों लेवल 7 के हो चुके हैं। टीम रॉकेट जेसी और जेम्स डिफीट हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं प्रोफेसर के पास जाके आते हैं, तो ये लोग जा चुके हैं वापस। हम प्रोफेसर ओक से मिल के आते हैं, उनसे बात करते हैं क्या हम बैटल फ्रंट को ज्वाइन कर सकते हैं जाकर उनके मतलब चैम्पियनशिप जीतने के लिए। मेन बात करते हैं यहाँ पे है प्रोफेसर ओक। ओके यहाँ पे मे आ गई, ये अभी तक मिस्ट्री ने केक पकड़ा, मिस्ट्री कपड़े ऐसे हैं, मुझे ऐसा ऐसे कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है उसने कुछ, पर उसके वैसे भी कपड़े ही ऐसे हैं। हाँ मिस्ट्री में उसने येलो ड्रेस पहनना शुरू कर दी थी ना उस टाइम पे, येलो थी उसकी। ओके तो यहाँ पे अब प्रोफेसर हमें मतलब बता दिया हमें जाना कहाँ पे है, और अब यहाँ पे हमें उन्होंने गुड लक बोला, कुछ नहीं मिलेगा क्या हमें यहाँ पे? नहीं हमें कुछ स्टॉप कर नहीं सकता, तो कहते तुम्हें अपना पहली माइंड बना चुके हो तो गुड लक। हाँ तो ये बाबा रिपीट क्यों करा लाइंस को, पता नहीं हमने ज़्यादा बार बटन दबा दिया होगा। ऐसा करते हैं हम नीचे की साइड से निकल जाते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आप बताओ आपको ये गेम कैसे लगी। आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सब इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।